हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग सभी? दिस इज अनिल और मैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जय जवान, जय किसान, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट कर रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के सेशंस बहुत हो चुके हैं, काफ़ी सेशंस ले चुका हूँ मैं। तो अपने जो भी नए जुड़े हैं, जिन्होंने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, वो पुराने सेशंस भी देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स बहुत प्रीसियस पार्ट है आपके एग्जाम को लेके। और रही बात तैयारी की लेके, पटवारी और नायब तहसीलदार की, बार बार तो एग्ज़ाम होंगे नहीं, इसी बार एफर्ट करना है। साम, दाम, दंड, भेद, जिन नीतियों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें यही है कि मजबूत तैयारी, रेगुलरिटी। देखिए, एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, हर रोज़ पढ़ना होता है। ज़्यादा पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा कि एक दिन आपने 15 घंटे पढ़ लिया और 2 दिन पढ़ा नहीं। रेगुलरिटी बनाए रखिए, पेशेंस रखिए, एग्ज़ाम जब भी हो उससे पहले आप तैयार होने चाहिए। हमारे लाइव कोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी जो स्टूडेंट्स घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर सकते हैं। ज्ञानम ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल हैं नायब तहसीलदार और पटवारी को लेके, और भी एसएससी और बैंकिंग की तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से करवाई जाती है ज्ञानम में। तो यू कैन बाय दीज कोर्सेज। फ़ोन नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, यानी लाइव और ऑफलाइन बैच दोनों अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर गिवन है, उन नंबर्स पे जाके आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को। इंटरनेशनल न्यूज़, जहाँ से कल हमने क्वेश्चंस छोड़े, उससे आगे हमें वो क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि ट्विटर ने अभी रिसेंटली लिंक द ट्वीट ऑफ विच कंट्रीज हैड टू फैक्ट चेकिंग पेज। क्या है न्यूज़, समझेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कंट्री ने अभी ट्विटर रिसेंटली लिंक द ट्वीट ऑफ विच कंट्रीज हैड टू फैक्ट चेकिंग पेज, वेरी इंपॉर्टेंट। किस कंट्री को ऐसा ट्विटर ने बोला, चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स या इंडिया? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर कीजिए। सत श्री अकाल जी, सभी को सत श्री अकाल। अभी पढ़ने पे ध्यान दे लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आंसर करने की ट्राई कीजिए। दीपिका सिंह, ट्रंप, हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड, ट्रंप का ही सीन है इसमें। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, जब इलेक्शन चल रहे थे तो ट्विटर जो है, ऐसा जो प्रेसिडेंट है, जो बिडेन, यूएसए के प्रेसिडेंट, दो तरह की पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी होती है, एक डेमोक्रेटिक। यूएसए में दो ही पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक और एक आपकी रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक में आते हैं आपके जो बिडेन, और जो रिपब्लिकन पार्टी में हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा माना है कि जो बिडेन ने अलेज किया है कि भैया जो ये ट्विटर है, ये इंटरफेयर कर रहा है 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो यूएसए में चल रहे थे।
तो ये जो ट्विटर की ये जो की फैक्ट चेकिंग पेज, मतलब मेल, कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल्स जिनको लेके डोनाल्ड ट्रंप जो है, ऐसा जो बिडेन ने माना कि डोनाल्ड ट्रंप फैक्ट चेकिंग पेज यानी मेल इन बैलेट्स, जो भी इम्पोर्टेंट मेल है उनको कॉन्टेक्स्ट में ले रहा है ट्विटर। तो ट्विटर ने बाद में बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ प्राइवेसी बनाए रख रहे हैं। लेकिन जो जो बिडेन है वो कह रहा है कि ट्विटर यानी इंटरफेयर कर रहा है 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। तो आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, विच इंटरनेशनल एसोसिएशन हैज प्लेस्ड ओवर $21 बिलियन देगा टू फाइट अगेंस्ट COVID-19 पेंडेमिक? किस इंटरनेशनल एसोसिएशन ने इतना सारा पैसा देने के लिए जो है दिया, अभी दे भी चुका है बहुत सारा पैसा, पुरानी न्यूज़ है, 2020 के करंट अफेयर्स की बात है, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स 2020 मिक्स है। कुछ क्वेश्चंस आपको जनवरी 2021, फरवरी 2021 के भी देखेंगे। और रही बात फैब के मंथ का करंट अफेयर्स, अब देखिए फैब का मंथ एंड हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, पूरा फैब के मंथ में जो कुछ भी हुआ उसे पढ़ेंगे, क्योंकि जनवरी हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके थे। और ये मिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं, आज के क्वेश्चंस इंटरनेशनल न्यूज़ पे हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे आंसर करने की कोशिश कीजिए। $21 बिलियन देने का फैसला किया है किसने? सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। G20 नेशंस, G20 ग्रुप ने $21 बिलियन देने का फैसला किया। इससे पहले वर्ल्ड बैंक और IMF भी वादे कर चुका है। तो यहां से क्वेश्चन क्या है कि G20 में 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन भी है, तो यहाँ पे यूरोप की कंट्रीज ज्यादा हैं इसमें। और रही बात G20 ने बोला है कि भाई COVID-19 के लिए हम $21 बिलियन की बूस्टिंग करेंगे वुलनरेबल कंट्रीज को, यानी पुअर, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं ऐसी कंट्रीज जो COVID-19 को लेके बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इकोनॉमी में लॉस देखा है, तो उनको बूस्ट करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए G20 कंट्रीज ने $21 बिलियन देने का फैसला किया। नेक्स्ट, हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूरेशियन ग्रुप ऑफ कंबैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे पैसे की में घपला, मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी। क्लैरिटी आंसर कीजिए जल्दी से। G20 कंट्रीज आएगा, G20 बेटा, G7 नहीं आएगा, G20। गुड वन, नेक्स्ट आंसर कीजिए। अभी ये जो कितने मेंबर हैं इसमें, यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मतलब लड़ना मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म, मींस जो आतंकवादी संगठनों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं, 5, 7, 9 या 12? नाइन मेंबर्स हैं, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारस, बेलोरस, ये सभी कंट्रीज जो हैं, इंडिया वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारत ने भी हिस्सा लिया है स्पेशल टास्क फोर्स के हिस्से के सहायता से। और यहाँ पे जो है इसके अंदर नाइन मेंबर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो है 32nd मीटिंग इनकी हुई थी, वर्चुअल मीटिंग मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और इसके अंदर आप देखेंगे रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलरस, ये सभी कंट्रीज, बेलोरस, ये सभी कंट्रीज इसका हिस्सा हैं, नाइन कंट्रीज। ये इनका काम होता है टू मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए
और इसका मेन मकसद ये है, मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो वो जो पैसा है कहीं ना कहीं बूस्ट होगा टेररिज्म के लिए। तो इन दोनों को रोकने के लिए ये एक ग्रुप नेशंस का है। यूनाइटेड स्टेट्स हैज एलिमिनेटेड द स्पेशल स्टेटस एंड हॉल्टेड हॉल्टेड डिफेंस एक्सपोर्ट्स, रोकना टू विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए बहुत सारी कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट, फाइनेंशियल एड, एक्सपोर्ट में ये जो टैरिफ लगता है इंपोर्ट का उसमें रिलैक्सेशन, ये सब कम कर देता है, उन्हें स्पेशल स्टेटस देता है। तो यहाँ पे चाइना, हांगकांग, इंडिया, वियतनाम, किसका स्पेशल स्टेटस उसने एलिमिनेट कर दिया है यानी रोक लगा दी है। रोक लगाना किस पे और क्यों, जानते हैं? एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिए। ए इंडिया नहीं है यार, इंडिया नहीं, हांगकांग। हांगकांग पे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, चाइना इसके लिए प्रिपेयर भी कर रहा है। देखो चाइना क्या करता है, चाइना और यूएसए बहुत ही रेवलरी ग्रुप है, एक दूसरे से बहुत कटते हैं। अगर मैं बात करूँ ना कि जहाँ पे यूएसए का इन्फ्लुएंस है वहाँ चाइना क्या कोशिश करता है कि वहाँ का लिंक उनका टूटे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स और स्पेशल स्टेटस के साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और कि हाई टेक्नोलॉजी डिवाइस इक्विपमेंट है, फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में भी आ गया, रॉकेट्स हो गए, स्पेस लॉन्चिंग वाली बातें हो गई, इन सब में भी मना कर दिया है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। और चाइना इसका फ़ायदा उठाएगा, चाइना इसके अंदर इसकी बाउंड्री को लेके, चाइना, हांगकांग का चाइना पे बहुत इन्फ्लुएंस है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है भी, स्पेशल स्टेटस किसने हटाया है, यूएसए ने, किसके लिए हटाया है, हांगकांग कंट्री के लिए। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू मिलिट्री सर्विलेंस सैटेलाइट नेम्ड ऑफिक 16? ऑफिक 16 मिलिट्री सर्विलेंस सैटेलाइट मतलब मिलिट्री को हेल्प करेगा, मिलिट्री को देखेगा कि कहाँ पे क्या कर रही है मिलिट्री, किस कंट्री की? यूनाइटेड, इजराइल, जर्मनी या यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई? यस, टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस। यूएसए इस केस में, जो हांगकांग के केस में, दूसरी कंट्रीज को भी बोल देता है कि इनके साथ एक्सेस कम ही करें। ताइवान पे भी, इज़राइल, गुड वन। हाँ देखो अब क्या है कि ये जो आपका एग्जाम है पटवारी और नायब तहसीलदार का, अब इस पे करंट अफेयर्स कितना करना चाहिए, हमें करना चाहिए, हमें जून जून 2020 से लेके जून 2020 से लेके जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, यानी अगर मैं बात करूं अगर मई में एग्ज़ाम होता है तो अप्रैल 2021 तक का करंट अफेयर्स करेंगे हम, ठीक है? जून, ये नाम इनका है, इनका नाम है जिन्होंने लिखा है, कुलजीत कौर, कुलजीत कौर ने लिखा है कि भैया जून से लेके, देखो जून 2020 से लेके अप्रैल 2021, जून, जुलाई, अगस्त 2020 से लेके जनवरी 2021 तक, ये मैं करवा चुका हूँ आपको। फैब मंथ के भी बहुत सारे करंट अफेयर्स करवा चुका हूँ और फैब मंथ अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, ख़त्म हो चुका है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में फैब का इकट्ठा,
करंट अफेयर्स भी करेंगे, चार सेशंस या तीन सेशंस में फैब मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख चुके होंगे। फिर हम जून जुलाई 2020 को भी ले लेंगे, जून 2020, जुलाई 2020, अगस्त में करा चुका हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सब मैं करवा चुका हूँ। अब बात करेंगे हम इसकी, यानी जून जुलाई 2020 और फैब मंथ, पहले फैब मंथ को ले लेंगे और उसके बाद जून जुलाई के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। क्लैरिटी ठीक है। अब देखो ये ऑफिक 16 जो है ये इसराइल ने लॉन्च किया है अपनी मिलिट्री बेस पे सर्विलेंस करने के लिए, ठीक है। और ये जो है मिसाइल, जो इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जैसे हमारा इसरो है ऐसे ही इनका, तो जो सेवित रॉकेट सिस्टम से, सेवित रॉकेट सिस्टम इसराइल यूज़ करता है लॉन्चिंग के लिए, तो इस यहाँ से इसे लॉन्च किया है रॉकेट सिस्टम से ऑफिक 16। क्लैरिटी, तो ये इसराइल कंट्री ने किया है। नेक्स्ट नेतुना वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, विच टू कंट्रीज बिकेम द फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला डिजीज। अभी किस साउथ ईस्ट एशिया में किस कंट्री ने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है रूबेला और मीजल्स, ये बैक्टीरियल डिजीज हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं। और ये जो डिजीज हैं ज़्यादातर आपको जापान में से स्टार्ट हुआ था, और मीजल्स और रूबेला ये स्किन एलर्जी हैं। बेसिकली ये दोनों डिजीज़ क्या हैं, स्किन एलर्जी को दिखाते हैं, ऐसे रैशेज हो जाते हैं, जैसे खराश सी होना, दाग हो जाने स्किन पे, तो ये सारी डिजीज़ जो हैं, दोनों डिजीज़ ये किसने, मतलब कौन सी दो कंट्रीज़ ने ये कर लिया है, दो कंट्रीज़ और बिल्कुल इन दोनों के से यहाँ एलिमिनेट हो गया है। लर्निंग ऐप जून 2020 से पहले वाले थोड़े पुराने होते जाएंगे, ऐसा नहीं है, दो तीन सेशंस ले लेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, पर जून 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स, लगभग एक साल के करंट अफेयर, 10 महीने का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये लगातार जो स्टूडेंट्स की गिरावट जो हम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स नहीं जुड़ते हैं लाइव सेशंस में, शेयर पहले से ही शेड्यूल कर दी जाती है क्लास। अगर देखो ये आपके बेनिफिट की क्लासेस हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, अगर मुझे लगा कि 100 प्लस लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मैं क्लास को कभी भी रोक सकता हूँ। दिस इज माई डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी मतलब बची खुची पावर, ठीक है। तो अभी बताइए जल्दी से, तो जितना हो सके जल्दी जुड़ा करें आप क्लासेस से, आपके ही तो बेनिफिट की क्लासेस हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपके लिए हो रही है, आप नहीं जुड़ेंगे तो मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मुझे मज़ा नहीं आएगा तो भाई फिर पढ़ाई नहीं होगी यहाँ पे करंट अफेयर्स की, कोई और टीचर करवा रहा होगा या फिर ऑल्टरनेट क्लासेज हो जाएंगी। तो जितना हो सके क्लासेज रेगुलर दे रहे हैं तो जुड़े भी। कौन सी कंट्रीज का सबसे ज्यादा आंसर किया है, डी बहुत ही कमों का आंसर आया है, हाँ श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव में ये खत्म हो गई है। WHO ने डिक्लेयर कर दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोल दिया है कि इन दोनों कंट्रीज में अब पूरी तरह से रूबेला और मीजल्स खत्म हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ नेशन वाइड कैंपेन टू क्लीन अप वेबसाइट्स दैट टारगेट यूजर्स बिलो द एज ऑफ 18 से कम उम्र के, 18 या 18 से कम उम्र के जितने भी वेबसाइट्स हैं, क्लीन अप वेबसाइट्स दैट टारगेट यूजर्स, ये किस कंट्री ने ऐसा नियम बनाया है, किस कंट्री का रूल है, अभी रूल किया कि किस कंट्री ने ऑर्डर दे दिया है कि 18 प्लस तक कि जो कुछ वेबसाइट्स पे रोक लग जाएगी, ठीक है, तो वो कौन सा कंट्री है, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल। कंफ्यूज मत होना, बांग्लादेश ने भी रिसेंटली कुछ किया है इसी के लेके, लेकिन यहाँ पे आपके पास आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर करने की ट्राई कीजिए।
चाइना, गुड वन, चाइना, चाइना इज द राइट आंसर। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे गेम्स ऐप वेबसाइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही, यानी एडिक्शन हो रही है गेम्स की, एडिक्शंस हो रही हैं गेम्स की, एडिक्शंस ऑफ गेम्स, और भी बहुत सारी साइट्स जिन पे जो है लगे रहते हैं स्टूडेंट्स, उनकी पढ़ाई भी ख़राब हो रही है। तो जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट करा है, यानी एक तरह से सोशल मीडिया और पे तो ज़्यादा फोकस नहीं किया है, मेन फोकस गेम्स को लेके था। गेम्स की एडिक्शंस बहुत है और चाइना हमेशा बहुत सारे गेम्स निकालता है। तो यहाँ पे जो चाइना के यानी 18 से कम उम्र के बच्चों को बहुत सारे गेम्स पे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी चीज़ों पे, वेबसाइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा, ताकि एक ऑनलाइन सेफ एनवायरनमेंट बना रहे स्टूडेंट्स में। विच कंट्री हैज़ मेड द हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट, ये क्वेश्चन अभी आपने देखा था, उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप वॉज प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, यूएसए के, और ये जो है हांगकांग के लिए ये यूएसए ने ही तैयार किया है, यूएसए ने ही। उन्होंने बोला कि भैया जो ये हांगकांग है ये भी पूरी तरह से फ्रीडम है, जैसे चाइना फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है ऐसे ही, लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत है। तो मतलब हांगकांग अपनी ऑटोनोमस पावर यानी अपनी सॉवरनिटी के लिए अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल्स की बनी रहेगी, ताकि हांगकांग जो है वो सेपरेट चाइना का पार्ट ना माना जाए। क्लैरिटी, यानी हांगकांग को और पावरफुल और सॉवरन बनाने के लिए ये एक्ट हुआ है, हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट, जो कांग्रेस है वहाँ की, ठीक है, उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ओसुका रेपोंदा अभी वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, किस अफ्रीकन कंट्री की, ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर। इंडिया की बात करें तो इंदिरा गांधी जी, और यहाँ पे एक अफ्रीकन कंट्री की, नाम क्या है, नाम ज़रूर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओसुका रेपोंदा जो है किस अफ्रीकन कंट्री की सबसे पहली फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, गैबोन, जिम्बावे, नाइजीरिया, केन्या। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आंसर कीजिए जल्दी से। गुड वन, जेसिका सगी, ठीक है। गैबोन कंट्री, जो गैबोन अफ्रीकन कंट्री है, उसकी प्रेसिडेंट बनी। इससे पहले ये बजट मिनिस्टर, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी थी। तो यहाँ पे जो है ये जो ओसुका रेपोंडा है, वेरी इंपॉर्टेंट, अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो गैबोन की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी, ओसुका रेपोंडा। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने एमिड कोविड 19 पेंडेमिक को देखते हुए, देखो इसकी वजह से क्या हुआ कि और ज़्यादा पॉवर्टी, हंगर, ये सब बढ़ गई है, जिसकी वजह से एक अलायंस, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैंपेन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, फोर्सफुली इम्पैक्ट होगा। और G20, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसने ये लॉन्च किया है? क्वेश्चन ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, आंसर करने की कोशिश करो।
यूनाइटेड नेशंस, गुड वन। हुआ यूं कि 74th सेशंस हो रहा था यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उन्होंने ये पास कर दिया है, क्योंकि इसके बाद कोविड 19 के बहुत सारे डरेस्टिक इम्पैक्ट देखने को मिले, जिसमें पॉवर्टी बढ़ी है, लोगों के रोजगार, एम्प्लॉयमेंट ये सब छिन गई। तो इसके लिए क्या है कि यूनाइटेड नेशंस ने एक्शन लेना है, यूनाइटेड नेशंस में जुड़ी हुई जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को में क्या होगा, कुछ बूस्ट यानी पैसे की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने कहा है 74th अपनी जनरल असेंबली जो थिंक टैंक है, जो यूनाइटेड नेशन का थिंक टैंक है। क्लैरिटी, चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन USMCA एग्रीमेंट, ये न्यूज में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज में है। और USMCA एग्रीमेंट है क्या और कितनी कंट्रीज हैं, बात करेंगे। आंसर कीजिए 3, 4, 5 और 6। USMCA, थ्री ए इज द राइट वन। देखो USA, यूनाइटेड स्टेट्स, एम से मैक्सिको, सी ए से कैनेडा। मैक्सिको, कैनेडा और USA तीन कंट्री। इससे पहले नाफ्टा हुआ करता था, नाफ्टा को रिप्लेस किया USMCA ने नॉर्थ अटलांटिक के लिए। मतलब ये नॉर्थ अटलांटिक की बातें होती, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 25 साल पुराना ये जो एक्ट था नाफ्टा एक्ट, इसको रिप्लेस करेगा USMCA। अब ये है क्या, बेसिकली जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस, पोल्यूशंस, ठीक है, इको फ्रेंडली बनाने के लिए ये एग्रीमेंट, ये न्यूज़ में है USMCA। इंपॉर्टेंट क्या होगा, इससे पहले क्या था, नाफ्टा था, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसमें क्या होगा, इन तीनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड होगा लेकिन इको फ्रेंडली, ऐसा ट्रेड जिसमें इको सिस्टम एनवायरमेंट अफेक्ट ना हो। हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज, बहुत सारा पैसा भी है, $600 मिलियन के करीब लगा हुआ है। Who has been recognized as the constitutional interim president of Venezuela by the United Kingdom? Recognize, constitutional मतलब interim president, temporary base पे constitutions को मायने रखते हुए। Venezuela का नया Nicolas Maduro, John Guaido या फिर Miguel Tayre या Saros Jayewala। युआन गाइडो जो हैं ये इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ठीक है। ये जो निकोलस मैदुरा और जुआन गाइडो जो हैं, ये पीएम मैदुरो, अब ये क्या है कि इनका बहुत सारा करीब $1 मिलियन, क्लियरिटी, $1 बिलियन का गोल्ड रिजर्व, $1 बिलियन का, यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर इनका पैसा है,
जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ने ये बोल दिया कि असली लेजिटिमेट जो लीडर्स हैं वो जुआन गाइडो हैं, इसीलिए इन्हें क्या बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया है वेनेजुएला का। वेरी इंपॉर्टेंट, करीब कितना, 1 बिलियन USD का गोल्ड रिजर्व्स इसके पास हैं, इन दोनों के पास हैं। तो अभी किसको बनाया गया है ये इंपॉर्टेंट है। दोनों ऑप्शंस में निकोलस मैदुरो भी है और युआन गाइडो है, तो आंसर हो जाएगा युआन गाइडो। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बैंड फ्री इंटरनेट सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर बैन लगाया है, फ्री इंटरनेट सर्विसेज, सॉरी बैन नहीं, सोशल मीडिया पे बैन नहीं है, सोशल मीडिया, बहुत सारे सोशल मीडिया क्या करती है, इंटरनेट सर्विसेज को, इंटरनेट सर्विसेज जो भी मान लिया कुछ भी चेक करना हो, पेमेंट ट्रांजेक्शन्स, बहुत सारी चीज़ें, तो उन पे कुछ बैन लगा है। किस देश ने ऐसा बैन लगाया है, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया? बी नहीं है आंसर किसी, डी पाकिस्तान, चाइना, तजविंद कौर, तेजवंत कौर या चाइना, ये आंसर में किसी का भी आंसर सही नहीं आया है, सभी चाइना और कोरिया को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशंस हैं उन्होंने, यानी टेलीकॉम अथॉरिटी कमीशंस बांग्लादेश का, जैसे इंडिया में TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ बांग्लादेश ने क्या करा है, सोशल मीडिया पे वो फ्री इंटरनेट सर्विसेज पे बैन लगा दिया है, क्योंकि ये बहुत सारी इसके साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बांग्लादेश में शो हो रही थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट हो रहा था, जिससे क्या किया गया, इस पर बैन लगा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। Which country sent its trial container ship MV Sejyoti? ये important है, ये सबसे important question है आज का। MV Sejyoti, ये जो चैटोग्राम पोर्ट है बांग्लादेश का, ये त्रिपुरा की तरफ, मतलब वेस्ट बंगाल के यहाँ से होते हुए, चैटोग्राम पोर्ट से होते हुए त्रिपुरा, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए किया गया, चाइना, इंडिया, म्यांमार या नेपाल? ट्रायल मतलब ट्रायल, ट्राई करी है अभी, ट्रायल बेस पे, जैसे क्रिकेट खेलते हुए ट्राई बॉल फेंकते हैं, वो वाला ये सीन, ठीक है, पहले चेक कर रहे हैं। MV Sejyoti, MV Sejyoti। यस, चाइना, चाइना अपने खुद के सर्च इंजन बनाए बैठा है, चाइना में गूगल डोमिनेटिंग है ही नहीं, जैसे इंडिया में हर बहुत सारी कंट्रीज में गूगल डोमिनेट करता है, क्रोम गूगल का, ठीक है, ये सब डोमिनेट करता है, बट चाइना अपने सर्च इंजन, खुद के सर्च इंजन है कुछ के। सी आंसर कर रहे हैं म्यांमार, ठीक है, इंडिया, इंडिया ने भेजा है, इंडिया ने MV Sejyoti कोलकाता से अगरतला, अगरतला त्रिपुरा, ठीक है, तो सबसे पहले तो अगरतला, ऐसे ही फिर मेघालय, आपके नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इनमें एक्सपोर्ट करेगा इन शिप्स के हेल्प से आयरन बार एंड पल्सेस, दालें, दालें एंड पल्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये सब पहुंचाने के लिए, आयरन, बेसिकली आयरन और पल्सिस का एक्सपोर्ट करने के लिए कोलकाता पोर्ट से, आसान हो जाता है शिप के थ्रू, कम पैसा लगता है, ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट हो सकता है,
तो क्योंकि शिप का साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये जो है एमबी शिप जो होती है, एक शिप है, ट्रायल कंटेनर, मतलब एक तरह का कंटेनर है, इसमें यहाँ से पास हो जाएगा और ये सब जो है इंडिया ने भेजा है चाटोग्राम पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, जो वेस्ट बंगाल के साथ मिलता हुआ इलाका है, चाटोग्राम पोर्ट से ये इसको भेजा गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आयरन बार्स और पल्सिस का एक्सपोर्ट। इंडिया विच कंट्री हैज पास्ड अ बिल टू प्रमोट द लेगेसीज ऑफ, यानी आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम? किस कंट्री ने बिल पास किया है ताकि प्रमोट हो सके गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग की आइडियोलॉजी को और ज़्यादा लागू किया जा सके? हाँ, लगभग 1 साल 10 महीने 11 महीने का करंट अफेयर्स तो करना ही करना है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यूनाइटेड स्टेट्स के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ये बिल पास कर दिया है ताकि उनके स्टूडेंट्स को गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग के आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा सके। इनकी दोनों की पॉलिसीज ऐसी थी, वॉयलेंस पे रोक लगाना, यानी सेफ, काम, शांति से, ये जो बात होती है ये यूनाइटेड स्टेट्स, ताकि और ज़्यादा इस आइडियोलॉजी पे फोकस किया जा सके, तो ऐसा बिल पास कर दिया है। अब इनमें क्या होगा, स्टूडेंट्स के चैप्टर्स में, बुक्स के अंदर, टेक्सचुअल बुक्स में इनके लेसन्स होंगे, इनकी स्पीच होगी कुछ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसा किया है। मार्स टेस्ट रॉकेट ऑफ विच स्पेस कंपनी वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड विद एन अपवर्ड लैंडिंग, ऊपर की तरफ लैंडिंग की है, किसने, किस कंपनी, बोइंग, स्पेसएक्स, एयरबस या टेस्ला? आंसर कीजिए जल्दी से। मास टेस्ट का यानी एक प्रोटो, एक मॉडल अभी भेजा है टेस्ट करने के लिए और काफी सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है, 45 सेकंड तक ये जो है लिफ्ट, अपवर्ड लैंडिंग देखने को मिली है, वेरी इंपॉर्टेंट, किस कंपनी ने, आंसर आ गया है स्पेसएक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसएक्स, जो इयोन मस्क हैं उनका जो मिशन है 2021 के एंड तक सक्सेसफुली फ्लाइट, यानी सिविलियन पीपल ऑर्बिटल, यानी आपके स्पेस के अंदर जा सकेंगे, लो सरफेस, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा अर्थ के ऑर्बिटल्स, अर्थ की ऑर्बिट्स में मूव कर सकेंगे, स्पेस एक्स ने ऐसा किया। इनका जो प्रोग्राम है ना, जो स्टारशिप मिशन है इनका, स्टारशिप मिशन, इस मिशन के तहत जो है मार्स टेस्ट सक्सेसफुली हो गया स्पेस एक्स। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज यूएस जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी? देखो, यूएसए के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्टी हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके, एक होती है डेमोक्रेटिक और एक होती है रिपब्लिकन। जो डेमोक्रेटिक है उसके अंदर जो बिडेन और कमला हैरिस जो अभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट थे, वो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट थे। अभी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट किसे चुना गया है, माइक पेंस, कमला हैरिस, हिलारी क्लिंटन या सुसान राइस? रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पहले ही वाइस प्रेसिडेंट, अगर रिपब्लिकन पार्टी इलेक्शन जीतती है तो कौन बनेगा वाइस प्रेसिडेंट, कौन बनेगा, जो भी ये क्वेश्चन आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। सभी ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि
ध्यान से क्वेश्चंस को देखा नहीं, सीधा कमला हैरिस पे गए हैं क्योंकि हमें उन्हें पता है कि यूएस का वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। लेकिन अगर यूएस का प्रेसिडेंट की बात करें तो जो बिडेन। यहाँ पे ध्यान से अगर क्वेश्चंस को देखोगे, इसीलिए ये क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी से पूछा है आपसे, रिपब्लिकन पार्टी से पूछा है। माइक पेंस, माइक पेंस इज द राइट आंसर। अभी आया था एक का आंसर, ठीक, माइक पेंस। और माइक पेंस रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट जब भी अगर रिपब्लिकन पार्टी इलेक्शन जीतेगी, जैसे अब 2020 में, फिर 24 में होंगे, 24 के इलेक्शंस में अगर रिपब्लिकन पार्टी जीतती है तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे? माइक पेंस। और प्रेसिडेंट होंगे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को ही दोबारा से नॉमिनी चूज किया गया है प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर जिसने कमला हैरिस आंसर किया है वो ध्यान से देखिए, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है और फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट वही है, पहले से ही नॉमिनी बना लिए जाते हैं। जैसे हमारे होता है पीएम का कैंडिडेट पहले ही चूज कर लिया जाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी 2014 का चेहरा था, 19 का चेहरा भी वही थे। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइक पेंस इलेक्टेड या नॉमिनेटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी फॉर रिपब्लिकन, फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी। सार्स बॉम्ब, सार्स बॉम्ब दैट वॉज शोन इन न्यूज, सार बॉम्ब न्यूज में है, ये किस कंट्री ने डेवलप किया है? किस कंट्री ने सार बॉम्ब, TSAR, सार बॉम्ब को जो है डेवलप किया है? US, चाइना, रशिया, जर्मनी। USA में 4 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, यूएसए में इलेक्शंस 4 साल के लिए होता है। जैसे देश का प्रेसिडेंट, हमारे देश का प्रेसिडेंट जितनी बार भी जीतता जाएगा, इलेक्शंस बनता जाएगा, पर यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में टेनोर 4 साल का है और कंजेक्टिव मतलब एक साथ दो ही बार बन सकता है, मैक्सिमम 2 बार ही प्रेसिडेंट बना जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, सार बॉम्ब किसने किसने किया है? देखो टाइमिंग, देखो यार टाइमिंग है ना, मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लास्ट का लेक्चर मैं करंट अफेयर्स का लेता हूँ, क्लैरिटी और टाइमिंग इश्यूज जिसको भी है। देखो सब्सक्राइब कर रखा चैनल, नोटिफिकेशन जैसे आएगी बैठ जाना। 5:45 पे हो रही है, कभी 5:30 पे हो रही है, पहले 5:20 पे होती थी, 5:30 या 5:45 दो ही टाइमिंग है, क्लैरिटी, ठीक है। ये रशिया ने जो जेमेलिया नायासा जेमलिया ये जो आइलैंड है इस पे इन्होंने टेस्ट किया है रशिया का, ये हाइड्रोजन बॉम्ब है, सार बॉम्ब एक हाइड्रोजन बॉम्ब है, ये न्यूज़ में है। और इसकी जो टेस्टिंग है, देखो कंट्रोल्ड टेस्टिंग है, नॉट इन कंट्रोल्ड कि पूरी तरह से नहीं। अगर आपको याद हो 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी में जो द लिटल बॉय एंड द फैट मैन, दो कोडेड बॉम्ब्स, एक 6 अगस्त को फेंका, एक 9 अगस्त, 1945 की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उस टाइम जो फेंका उससे भी करीब 1,000 गुना, मतलब 3,000 गुना, 3,000 टाइम्स, 3,000 टाइम्स एनर्जी एक्सप्लोड करेगा। मतलब जिस तरह से रेडिएशंस का इम्पैक्ट करीब 20 से 30 साल जापान के उन दोनों शहरों में
उसके आसपास लगते हुए इलाकों में रेडिएशंस का इफेक्ट रहा था। वहाँ के जो न्यू बॉर्न बेबी थे उनमें कोई किसी का कान से बहरा है, कोई आँख से अंधा, डिफॉर्मिटी इन इन स्किन और बोन्स, ये सब बहुत सारे इम्पैक्ट जो गलत प्रभाव देखने को मिले थे, ये सब होता है। तो नागासाकी में जो बॉम्ब डाला गया उससे भी 3000 गुना अटैक करेगा ये आपका सार बॉम्ब। सार इसको वैसे बोला जाता है सार बम्बा, सार बम्बा ये रशियन लैंग्वेज के अंदर जिसका मतलब है हाइड्रोजन बॉम्ब। क्लैरिटी, ये रशिया ने डेवलप किया है। कुतुब मीनार वॉज इल्यूमिनेटेड इन वाइट एंड रेड। द सॉलिडैरिटी मूवमेंट ऑफ विच कंट्री, सॉलिडैरिटी मूवमेंट क्या थी, सिविल राइट को लेके थी, यानी फंडामेंटल राइट्स, लोगों के क्या राइट्स होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ही कुछ बेकार एक्सप्लोटेटिव पॉलिसी थी उस कंट्री में। तो ये किस कंट्री में, जर्मनी, रशिया, पोलैंड और जापान, इनमें से कुतुब मीनार जो दिल्ली में अपनी कुतुब मीनार है उस पर वाइट और रेड इल्यूमिनेट किया, मतलब स्पार्किंग जो लड़ियाँ लगाते हैं ऐसे कलरफुल प्रेजेंट किया उसको। तो ये किसने किया है, मंजिंदर सिंह। सिर्फ वो क्लासेस जो मैं बता रहा हूँ पेड क्लासेस की बात कर रहा हूँ, जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स होते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऐप पे भी, ज्ञानम ऐप पे भी, और जो ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है। पोलैंड, वेरी गुड। जो पोलैंड का हाई कमीशन बैठता है यहाँ पे, पोलैंड का जो हाई कमीशन बैठता है उनकी बात हो रही है, यानी पोलैंड की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, पोलैंड की जो पोलैंड के भी आईएफएस, जैसे पीएफएस बोलेंगे पोलैंड फॉरेन सर्विसेज, जैसे इंडिया के आईएफएस एम्बेसी होती है, तो पोलैंड की एम्बेसी, ठीक है, उसके लिए इन्होंने ऐसा किया है। क्लैरिटी, 40वीं, ठीक है, ये है ना गांधीयन आइडियोलॉजी पे ही काम करते हैं। तो ये वाइट एंड रेड ही क्यों, क्योंकि ये नेशनल कलर्स हैं पोलैंड के, पोलैंड के नेशनल कलर्स रेड एंड वाइट, उसके अंदर इल्यूमिनेट किया। कुतुब मीनार को परमिशन लेनी पड़ी थी, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी। 40वीं सालगिरह मनाई है पोलैंड ने, ऐसा किया कि भाई कुतुब मीनार की इल्यूमिनेशन कर दी। ठीक है, आज के इतने ही क्वेश्चंस इंटरनेशनल न्यूज़ से, ठीक है, लगातार सेशंस हो रहे हैं, 5:45 पे क्लासेस होती हैं, हर रोज़ होती हैं संडे को छोड़ के, ठीक है, 5:45 पे ऐसे ही सेशंस आते रहेंगे, डोंट वरी। और रही बात पुराने करंट अफेयर्स, सारे ही पूरे होंगे, बस आप पेशेंस बनाए रखें। जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं मेक श्योर एक बार सब्सक्राइब करें चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लैरिटी, हमारे पटवारी और नायब तहसीलदार को लेके स्टडी कंटेंट भी है, लेक्चर वीडियोस भी हैं, और पेड लेक्चर वीडियोस, पेड पूरा कोर्स है आपको, आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा उसमें, और लाइव अगर आप घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं तब ज्ञानम ऐप पे पढ़ेंगे, अगर चंडीगढ़ हेड ऑफिस में आके पढ़ना चाहते हैं तो क्लासरूम प्रोग्राम भी है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वर्किंग हार्ड, किसी भी अफवाह पे ध्यान मत दीजिए, 2 महीने बचे हैं, ढंग से पढ़िए, मई में कभी भी एग्जाम हो जाए या फिर जून में हो, नोटिफिकेशन नायब तहसीलदार का वापस ले लिया है डेट को लेके, अभी कोई टेंटेटिव डेट नहीं आई है, पर मई के महीने में पटवारी और नायब तहसीलदार हो सकता है, अगर हो गया तो आपका ही नुकसान है अगर तैयारी कम कर दोगे। इस बार लगे रहिए जब तक एग्जाम नहीं होता, लगे रहना। और रही बात अगर आज भी कोई स्टूडेंट अभी हमारे पेड कोर्स का हिस्सा बनता है तो हम उन्हें कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे, ताकि क्लासेस की टाइमिंग बढ़ानी पड़े, हम सिलेबस को कवर कराएंगे, सारे के सारे सिलेबस को। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशंस, जो भी नया जुड़ा है प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें चैनल को, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू, फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट एट ज्ञानम्स नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। ओल्ड क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, सर्च कर लेना।